नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। फटाफट आइए आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इस घटना के 16 घंटे बीतने के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। ईरान की स्थानीय मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। तुर्की के ड्रोन ने इस हीट सोर्स का पता लगाया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत आज यानी कि 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज 8 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनने वाले हैं। इसके अलावा बता दें कि उड़ीसा की बची हुई 35 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में सुबह से काफी सारे दिग्गज वोट डाल चुके हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में काफी सारे बॉलीवुड सितारों जानवी कपूर, राजकुमार राव, अक्षय कुमार समेत कई सारे दिग्गजों ने वोट डाला है। स्वाति मालीवाल के साथ हुए अभद्रता और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया था। रविवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस पर मामले से संबंधित जानकारी भारतीय जनता पार्टी से मिली, तो वहीं मीडिया को भी इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दी थी। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद की सुरक्षा आज से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF करेगा। अभी तक CRPF के जवान संसद की सुरक्षा में लगे हुए थे। बता दें कि इनकी जगह लेने वाले CISF की टीम में कुल 3317 से अधिक जवान संसद की सुरक्षा करेंगे। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ पहुंचे हुए थे, तो उनको देखकर भीड़ बेकाबू होती हुई दिखाई दी। दोनों दलों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखाई दिए। फूलपुर में तो दोनों नेताओं ने अपना भाषण भी नहीं दिया। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी स्टेज पर आपस में कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि जूनियर NTR के दीवाने सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। जूनियर NTR अपने जमाने के मशहूर अभिनेता NT रामा राव के पोते हैं। बता दें कि NT रामा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। तेज धूप होने से लोग परेशान हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सभी जगह का तापमान 45 डिग्री से अधिक हो रहा है। तो वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में 48 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया जा चुका है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। और अगर आज आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है तो जरूर अपने घर से निकलकर मतदान करें। धन्यवाद।